दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिसको नींद में आते हैं ऐसे सपने, तो समझ जाना करोड़पति होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वे कौन से सपने हैं जो अगर आपको नींद में आ जाएं तो समझो आप पर धन वर्षा होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अच्छी तरह से समझना, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र अनुसार सपने हमें भविष्य में घटित होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का पूर्व संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सपने शुभ तो वहीं कुछ अशुभ माने जाते हैं। सपने में पैसा देखना एक शुभ संकेत है। दोस्तों, जो आने वाले समय में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने का संकेत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी मेहरबान होने वाली हैं। कौन से वे सपने हैं, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर सपने में आपको कोई छोटा बच्चा मस्ती करता हुआ खिलखिलाता दिखाई दे, तो इसका मतलब आप पर जल्द ही धन वर्षा होने वाली है। हो सकता है कि आपकी कोई डील पक्की हो जाए या फिर पुराने किसी निवेश से लाभ मिल जाए। दोस्तों, सपने में नोट देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष अनुसार ये सपना धन लाभ का संकेत देता है। दोस्तों, सपने में पानी देखना भी धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने का सूचक है। सपने में वर्षा होते देखना, नदी या समुद्र दिखाई देना धन प्राप्ति का संकेत है। दोस्तों, सपने में सफ़ेद ड्रेस देखना पहनना या सफ़ेद फूलों की माला देखना या बर्फ से ढका पर्वत देखना, सफ़ेद मंदिर का शिखर, सफ़ेद शंख और सफ़ेद सूर्य चांद देखना भी समृद्धि का संकेत है। यदि सपने में आपको खुद के हाथों में फल दिखे, फल वाले पेड़ दिखाई दें, आंवला, अनार, सेब, नारियल, सुपारी या काजू आदि को देखें, तो ये सपना भी धन आने का संकेत देता है। दोस्तों, सपने में सफ़ेद कमल, केतकी, नागकेसर, चमेली, चांदनी एवं गुलमोहर के फूल देखना भी धन संपत्ति में बढ़ोतरी का संकेत है। फूल पर बैठी तितली देखना भी काफ़ी शुभ माना गया है। इसका मतलब आपको जल्द ही धन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सपने में देवी देवताओं का दर्शन होना कार्यों में सफलता मिलने का संकेत देता है और किसी माध्यम के जरिए आपको धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, सपने में सफ़ेद शेर के बच्चों, हाथी, गाय, घोड़ा, बैल, बिच्छू, बड़ी मछली, सफ़ेद सर्प, बंदर, कछुआ एवं कस्तूरी हिरण देखना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द धन प्राप्त हो सकता है। यदि सपने में व्यक्ति अनाज के ढेर पर अपने आप को चढ़ते देखे और उसी समय उसकी नींद खुल जाए, तो धन लाभ होने का प्रबल आसार होता है। दोस्तों, उसी तरह सपने में चावल, मूंग, जौ, सरसों आदि देखना भी धन प्राप्ति का संकेत है। तो दोस्तों, ये थी आपके सपनों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक आदि पर दिल खोलकर शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक तक जानकारी पहुँचे आसानी से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।